लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए भागलपुर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद और एक्शन में दिखाई दे रही है। इसको लेकर गुरुवार को भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसएसपी आनंद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सबौर थाना क्षेत्र से एक मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन करने के साथ 50,000 रुपये के कुख्यात इनामी अपराधी की गिरफ्तारी और बाद थाना क्षेत्र से एक हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त शूटर की गिरफ्तारी करने की जानकारी दी। एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सबौर थाना क्षेत्र के रजंदीपुर में भागलपुर पुलिस ने एक मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए भारी मात्रा में अवैध निर्मित और अर्धनिर्मित हथियार के साथ कारतूस, शराब और हथियार बनाने वाले उपकरण को बरामद किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर सिटी एसपी राज और डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव को लेकर छापेमारी की गई, जिसमें हथियार और हथियार बनाने के सामान को जब्त करते हुए पुलिस ने रजंदीपुर निवासी छेदी मंडल के पुत्र अमिक मंडल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार अमिक मंडल के घर से भारी मात्रा में अवैध हथियार एवं कारतूस बरामद किया गया है, जिसके बाद अमिक मंडल की गिरफ्तारी की गई। छापेमारी के दौरान 3 राइफल, 1 दो नाली बंदूक, 1 देसी कट्टा, लोहे की छेनी हथौड़ी, 1 अर्धनिर्मित बंदूक, 52 जिंदा कारतूस, 3 विंडोलिया समेत भारी मात्रा में हथियार निर्माण सामग्री और औजार बरामद किया है। छापेमारी दल में पुलिस निरीक्षक सबौर थानाध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल के अलावा कई पुलिस पदाधिकारी, एसटीएफ चीता और डीआईयू के पदाधिकारी और कई पुलिसकर्मी शामिल रहे। इसके अलावा एसएसपी ने कहा कि टॉप 10 की सूची में शामिल 50,000 के इनामी अपराधी चंदन यादव उर्फ चंदन टाइगर को पुलिस ने इंग्लिश गांव से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाद थाना क्षेत्र से पुलिस ने छापेमारी कर विगत 16 अप्रैल को दौलतपुर में हुए मुकेश कुमार सिंह हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त अशोक यादव के पुत्र रब्बू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिटी एसपी, डीएसपी विधि व्यवस्था और कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। अब देखिए, आगामी जो लोकसभा का चुनाव है अगले एक सप्ताह में यहाँ होना है और चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसलिए जो चुनाव के प्रभावित करने वाले जितने कारक हैं उसके खिलाफ भागलपुर पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में आज एक बड़ी सफलता भागलपुर पुलिस के द्वारा अर्जित की गई है, जिसमें कि एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है। एक गाँव है सबौर थाना में रजंदीपुर, वहाँ पर सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में और डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर इस पूरे रेड की का नेतृत्व कर रहे थे, जिसमें कि इंस्पेक्टर सबौर थाना, हमारे डीआईयू की टीम, एसटीएफ की एक टीम लगातार इसमें काम कर रही थी और कुल 5 हथियार पूरी तरह से निर्मित 5 हथियार, जिसमें 1 कट्टा, 3 राइफल और 1 दो नाली बंदूक और 1 अर्ध निर्मित हथियार बरामद हुआ है। एक व्यक्ति जिसका नाम है अमिक मंडल उर्फ अंबिका मंडल, जो कि रजंदीपुर का ही रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हुई है और 20 से ज़्यादा हथियार बनाने के जो उपकरण होते हैं उसकी बरामदगी की गई है और इस प्रकार भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बड़ी सफलता अर्जित की गई है। मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है, 5 हथियारों की बरामदगी की गई है और 1 व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। उस व्यक्ति से लगातार पूछताछ भी हमारी टीम के द्वारा की जा रही है और उसमें जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं उस पर भी हमारी टीम लगातार काम कर रही है। इसमें और भी हथियार के बरामदगी एवं व्यक्तियों की गिरफ्तारी की संभावना है। लोकसभा आम निर्वाचन के दूसरे चरण में होने वाले मतदान को लेकर गुरुवार को समाहरणालय परिसर से जन जागरूकता रैली निकाली गई। स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में मतदान संपन्न कराने और वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जीविका दीदियों एवं विकास मित्रों द्वारा निकाली गई जन जागरूकता रैली को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता कार्यक्रम में सहायक गरिमा लोहिया, संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता भी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान जीविका दीदियों ने पहले मतदान, फिर जलपान, चूल्हा चौका छोड़ो दीदी, आओ चलकर करें मतदान समेत मतदाता जागरूकता से जुड़े कई नारा भी लगाया। जागरूकता रैली समाहरणालय से निकलकर शहर के कई मार्गों से होते हुए घंटाघर स्थित टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के समीप पहुंची, जहां रैली का समापन हुआ। इसके पूर्व डीएम ने 26 अप्रैल को भागलपुर के सभी
मतदाता से मतदान करने की अपील करते हुए घर घर मतदाता पर्ची पहुंचाए जाने की बात कही, जबकि घर घर पहुंचने वाली मतदाता पर्ची को डीएम ने उनकी ओर से निमंत्रण पत्र बताया। साथ ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि सभी मतदाताओं को बूथ पर आने के लिए मतदाता पर्ची स्वरूप निमंत्रण पत्र है, यहाँ आकर सभी वोटर अपने वोटिंग के अधिकार और कर्तव्य का उपयोग कर सकेंगे। देखिए, मैं तो पूरे यहाँ के भागलपुर के वोटर से अनुरोध कर रहा हूँ कि 26 अप्रैल को मतदान है, सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक, और एक ही हम उन लोगों से अनुरोध करेंगे कि पहले मतदान फिर जलपान, ये निर्णय ले लें कि जब तक हम वोट नहीं डालेंगे हम भोजन नहीं करेंगे। और आपने अभी हमारी कला जत्था की टीम को सुना है और देखा है कि 4 प्रकार के लोग ही वोट नहीं डाल सकते हैं। पहला, जो भारत का नागरिक नहीं हो, दूसरा, जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, तीसरा, जो अनसाउंड माइंड का हो, और चौथा है भी इन्होंने बताया है। तो इसलिए हम सभी लोगों को जागरूक होना चाहिए, इसमें जिनको सजा हो चुकी है वो लोग भी वोट नहीं डाल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा समानता का पर्व है, और ये ऐसा समानता का पर्व है जिसमें हर आदमी, हर व्यक्ति, हर समाज, हर जाति पाति, हर धर्म, सभी बराबर हैं। सभी के एक एक व्यक्ति का जो मत है सब बराबर है। मैं पुनः सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि उस दिन वोट ज़रूर डालें। मैं अभी फीडबैक ले रहा था तो कई हमारे अभी BLO सुपरवाइज़र ने कहा कि लोगों को लगता है लोग हमारे पास नहीं आए। मैंने उन्हें यही कहा कि यदि आपकी उम्र 80 वर्ष तक है तो जो नियमित चुनाव होता है तो आप जीवन काल में मात्र 12 बार लोकसभा का वोट डाल सकते हैं, मात्र 12 बार। यदि आप 100 वर्ष जीते हैं तो मात्र 16 बार डाल सकते हैं। तो हम एक बार भी कम नहीं करें, और एक वोट डालने में आपको जो 7 सेकंड की मशीन की आवाज़ होती है, और आपको जाने में, कमरे में और आने में, मतलब मैं 20 सेकंड ही उसको मानता हूँ, 20 सेकंड मात्र लगता है। तो इस प्रकार से हम एक घंटे में 180 से 200 लोग भी वोट डाल सकते हैं, जो लोगों को लगता है कि लाइन लंबी रहती है। इस बार मैं लाइन को लोगों को खड़ा नहीं रहना पड़े, हम जगह जगह पे बेंच भी लगवा दे रहे हैं ताकि जो लोग हैं असहाय हैं वो बैठ भी जाएं, या थक जाते हैं लोग बैठ भी जाएं। और हम प्रयास करेंगे जितनी फास्ट वोटिंग हो सकती है, हमारी मशीनरी को हम ट्रेन कर रहे हैं, उतना फास्ट नियमित जो उचित तरीके है उससे वोट कराएंगे। और आपको बता दूं मैं कि करीब 80% के आसपास हमारा जो वोटर स्लिप है उसका हम लोगों ने वितरण करवा दिया है। पहले लोगों के पास वो वोटर स्लिप नहीं होता था, लोग भटकते थे कहाँ जाएँ, हमारा नाम है कि नहीं है, कि कोई काट दिया है, कोई कुछ क्या किया है। तो वो वोटर स्लिप का वितरण हो गया है, वो लोगों के लिए बड़ी बात है। और मैं पुनः लोगों से आग्रह करूँगा, वो पर्ची नहीं निमंत्रण है वोट देने आना है, उसको मेरा निमंत्रण कार्ड समझे कि DM साहब ने वो निमंत्रण दिया है वोट देने के लिए 26 अप्रैल को, और उस वोट देने की जगह हमारी बूथ है, उस बूथ पे आकर के वोट करें। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड के खानपुर पंचायत दौलतपुर गांव के सुगटिया बहियार में 2 दिन पहले मिरट्टी पंचायत नपटोलिया गांव के अपराधियों ने 2 किसानों को गोली मार दी। घटना में एक किसान मुकेश कुमार मंडल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके भाई सचिता मंडल उर्फ कारेलाल मंडल घायल हो गए। ग्रामीणों का आरोप है कि दबंगों ने गेहूं का भूसा चोरी करने से मना करने पर किसानों को गोली मार दी। घटना के 2 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई गिरफ्तारी नहीं होने से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। गुरुवार को दौलतपुर गांव के ग्रामीणों ने एकजुट होकर पुलिस प्रशासन से 24 घंटे के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा कि यदि 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं होती है तो वे लोग लोकसभा चुनाव में वोट का बहिष्कार करेंगे। बता दें कि इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और किसान डर के मारे खेतों पर नहीं जा पा रहे हैं। वहीं भागलपुर SSP आनंद कुमार ने बताया कि घटना में शामिल एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है।